बिहार में कहीं दारू बंद था ना, रोजी ना रोजगार है, असल जिनको दारू बंद कर दिया है। दारू बंद कर दिया है, ये दिक्कत है मतलब? तो पहले रोजगार दो, उसके बाद दारू के बारे में सोचोगे। महंगाई की तरफ नहीं जा रहे हैं, सिर्फ गारंटी दे रहे कि हम ये गारंटी दे रहे हैं, हम ये कर देंगे, अगर महंगाई आज तक नहीं रुकी। और कांग्रेस ने जो जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो जो काम करे हैं, आज दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो घूमिल आप देख लो ना, लगा लो नेहरू जी से लेकर के इंदिरा तक, राजीव गांधी तक, कौन कौन किस किस ने कुर्बानी दी है, सारी जाने उनकी गई है, राजनीति में ही तो गई है। उन्होंने ऐसे ऐसे काम करे हैं जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, मतलब देश को उन्होंने झुकने नहीं दिया इस बार, और ना झुकने देंगे, हम इस बार सब उनके साथ हैं। बीजेपी को वोट डालेंगे, मोदी जी को देखना चाहती है, मोदी जी को देखेंगे। उनकी चोरी पकड़ेगी, वो तो चोर है, मार ठाक है, जो दिल्ली की पब्लिक के साथ फ्री का राशन और फ्री का भाषण देकर उन्होंने दिल्ली की पब्लिक को बेवकूफ बनाया। मंदिर मस्जिद के लिए भी जगह दिया, लेकिन इन लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि मस्जिद को बनवा दें। हम हिंदू लोग हैं, हमने मंदिर बनवाया, चंदा दे दे के बनवाया, गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगा, लेकिन खान साहब इनमें इनकी ताकत नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 एकदम नजदीक है, सभी पार्टियां जनता को अपने पाले में लाने में जुटी हुई हैं। हम लोग भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हम लोग दिल्ली की करोल बाग मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर हम जनता से, आम जनता से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार जनता जो है क्या चाहती है, किसकी सरकार बने। इसीलिए हम लोग दिल्ली की करोल बाग मार्केट में है, जहाँ पर हम लोग आम जनता से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि अब की बार मोदी लहर है या राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री पद पर देखते हैं, या फिर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार। तमाम मुद्दों पर भी बात करेंगे कि अब की बार ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी जो है वो हैट्रिक मार सकती है, या इंडिया गठबंधन जनता को पसंद आ रहा है। तो चलिए, क्या कर रहे हैं आप? आप क्या कर रहे हैं? ये दुकान है। अच्छा, कहाँ के रहने? यही के दिल्ली में है। दिल्ली में तो केजरीवाल है। फिर क्या हुआ, हो गया जो, इसमें क्या कर सकते हैं? गलत अंदर हुए बिल्कुल, तो जबरदस्त। अब आपको सबको पता है गलत अंदर हुए, जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तो अंदर कैसे कर दोगे आप? अंदर करने के बाद आप प्रूफ ढूंढोगे तो उसमें कोई बेगुनाही थोड़ी दिखेगी। पहले आप प्रूफ ढूंढो, तब जा करके अंदर करो। कहीं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए मुझे आप। चलिए, मुझे ये बताइए, अब लोकसभा चुनाव है 24 में, अभी 19 को ही वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, हवा कहाँ है अब की बार? अब ये तो कुछ नहीं कह सकते जी, कुछ नहीं बोला जा सकता, अभी आने वाला टाइम बताएगा जी। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? हो सकता है जी, भी है जी, बन भी सकते हैं, उसकी तो हवा पूरी चल रही है ना, उसकी तो हवा ही है जी, हवा बन सकते हैं अब। ये तो डिसाइड तो उससे जी पता चलेगा जब इलेक्शन खत्म होने, वोट पड़े खत्म होगा, जब डिटेल होगा, उससे पहले कुछ नहीं हुआ टाइम पता लगेगा, जब वोट वगैरह पड़ जाएंगे। जनता क्या चाहती है, कौन प्रधानमंत्री? अब देखो जी, जोर तो सारा मोदी जी का ही चल रहा है, मोदी ने काम भी बड़े बड़े करे हैं, जैसे वो काम बड़े बड़े ही करे हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं ना कि महंगाई की तरफ नहीं जा रहे हैं, सिर्फ गारंटी दे रहे कि हम ये गारंटी दे रहे हैं, हम ये कर देंगे, अगर महंगाई आज तक नहीं रुकी। जो चीज 100 रुपये की चीज है वो 180-190 रुपये की, मुझे थोड़े दिन है। ग्रीड पंप और नलकों के नीचे नहा लिया करते थे फ्री के पानी से, फ्री का पानी आता था, बढ़िया पानी होता था। आज पानी की बोतल देख लो, ब्लैक हो रही है पानी की बोतलें, आप देख लो, अंदाजा लगा लो कि गरीब आदमी क्या क्या अफोर्ड करेगा। ये सब इनको पानी फ्री करना चाहिए, बिजली फ्री ना करें लेकिन उसका रेट तो गिराना चाहिए। दिल्ली में तो केजरीवाल ने ये सब फ्री करा, ये तो अभी थोड़े दिन हो से तो 15 साल हो, उससे पहले तो बीजेपी और कांग्रेस की सरकार थी ना, मैं तो सरकारों के बारे में बात कर रहा हूँ। केजरीवाल ने तो फिर भी बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन अब वो घोटाले के अंदर डालते जा रहे हैं, भगवान जाने घोटाला वो कर भी रहा है या नहीं, पर हमें तो नहीं लगता कि वो केजरीवाल कर रहा होगा घोटाला, उसे तो फंसाया जा रहा है बस। हाँ, बीजेपी फंसा रही है? नहीं, बीजेपी फंसाए, कोई भी पार्टी फंसाए, ये तो मुद्दा है। अच्छा, मुझे ये बताइए किसको वोट डालेंगे अब की बार? देखो जी, आपको एक बात बता दें, हम तो कट्टर कांग्रेस ही है। राहुल गांधी बनेंगे मतलब प्रधानमंत्री? हमारे लिए तो वही बने, चाहे बने ही ना बने, हम कट्टर कांग्रेस ही है, कोई बने या ना बने। राहुल गांधी जब से वो संभाला जी, कांग्रेस को ही देखा है। अच्छा। सीधी सी बात तो ये है, और कांग्रेस ने जो जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो जो काम करे हैं, आज दुनिया में कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो घूमिल हो गई,
घूमिल आप देख लो ना, लगा लो नेहरू जी से लेकर के इंदिरा तक, राजीव गांधी तक, कौन कौन किस किस ने कुर्बानी दी है, सारी जाने उनके गई हैं, राजनीति में ही तो गई है, कोई पर्सनली दुश्मनी में तो नहीं मरे। राजीव गांधी वैसे ही मरे, इंदिरा गांधी जी वैसे मरी है, नेहरू जी तो चलो एक जेन्युइन मौत मरे हैं, तो ये सब नहीं कोई समझता। हम तो अपने पिताजी के टाइम से जानते थे, हमारे पास तो नेहरू जी की किताब थी, तो हम तो शुरू से कांग्रेस को ही मानते आए हैं। लेकिन अब जनरेशन चेंज होती जा रही है, आजकल के बच्चे अलग दिशा में जा रहे हैं, हम तो अब वोट ही डालने नहीं जाते जी, सीधी सी बात तो ये है। मतलब मोदी जी ने, मोदी जी प्रधानमंत्री आप चाहते हैं कि ना बने अब कांग्रेस आए? अब हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं वो कुछ करें, वो कुछ करें गरीबों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए, बस। अब ये हम पटरी वाले बैठे हुए हैं, हमारे पटरी का कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, जगह दे रहे हैं जगह दे रहे हैं जगह, 4 साल हो गए जगह के लिए, अब तक हमें तो कोई जगह मिली नहीं। अब जगह मिल रही है तो ऐसी जगह फेंक रहे हैं जहाँ पर कोई कस्टमर ही आके राजी नहीं होगा। अब हम अजमल खान रोड पे बैठे हैं, हमें इससे मिलती जुलती जगह दिलाई जाए। हाँ, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के रहने वाले हैं। हाँ जी, केजरीवाल तो दिल्ली में अंदर हो गए? अंदर हो गए हैं तो मैडम वो अपने फॉल्ट से हुए हैं, जैसे कि जो भी उनकी वो आई है केजरीवाल की, आजकल न्यूज़ चल रही है, देख रहे हैं आप लोग, हम भी देख रहे हैं, तो उसी में मामले में, जिस मामले में आए हैं, घोटाला हुआ है, शराब घोटाला, शराब घोटाला हुआ है, पहले फ्री भी बांटी है और क्या कहते हैं एक के साथ दो भी दी गई है उस मामले में भी। अच्छा, आपकी बार चुनाव है, क्या लगता है लहर कहाँ है? लहर मैडम बीजेपी पे ही आएगी। इधर आइए। ये देखो, मैं सवाल मेरा कंप्लीट हो नहीं पाता है, ये पीछे से जनता क्या बोल रही है, क्या बोल रही है मैडम? इस बार बीजेपी हमारे को लग रहा है कि 400 पार जाएगी इस बार, पूरे 100%। क्यों, ऐसा क्या काम कर रही है मैम? उन्होंने ऐसे ऐसे काम करे हैं जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, मतलब देश को उन्होंने झुकने नहीं दिया इस बार, और ना झुकने देंगे, हम इस बार सब उनके साथ हैं। पूरी देश की जनता पूरे देश से पूरी सपोर्ट कर रहे हैं कि मोदी ही आएंगे और मोदी ही राज्य चलाएंगे। कोई टक्कर में है नहीं मैम? टक्कर में तो है, लेकिन टक्कर में जो है वो जेल में है, और वो किस वजह से आपको पता है? राहुल गांधी भी तो है मैम। राहुल गांधी की आपको पता है पुरानी हिस्ट्री, 75 साल हो गए देश को आजाद हुए में। क्या बोल रहे हैं? उनके पास में वो गट्स नहीं है जो है, बीजेपी के पास में बहुत से चेहरे हैं पर कांग्रेस के पास में कोई चेहरा नहीं है, नहीं। अच्छा, बीजेपी के पास कौन कौन से चेहरे हैं मोदी के अलावा? मोदी के बाद में नेक्स्ट तो सब जानते हैं, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह है, अमित शाह जी है, योगी जी है, ये आने वाले, देखो आने वाले समय में ये भी प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे देश के। चलो चलते मैम, ठीक है, ओके मैम, ठीक है। आंटी अब बड़ा मुस्कुरा रही थी। कनाडा, कर्नाटक, किसको वोट डाली? ये नो वोट, लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम, बीजेपी, बीजेपी को वोट डालेंगी? हाँ, मोदी जी को देखना चाहती है, मोदी जी को देखेंगी? क्यों, मोदी जी को पसंद करती है? हाँ। अनिल वर्मानी, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली में। दिल्ली के? हाँ जी। दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली करोल बाग। क्या लग रहा है आपके बार चुनाव है, लहर कहाँ है? लहर तो जी मोदी जी के साथ है। हाँ जी, हाँ जी, सच्चे श्रेष्ठ और ईमानदार आदमी तो मोदी जी हैं। ईमानदार तो क्या, केजरीवाल भी खुद को बड़ा बताते थे, अब जेल बताते थे, अब उनकी चोरी पकड़ेगी, वो तो चोर है, मार ढक है, जो दिल्ली की पब्लिक के साथ फ्री का राशन और फ्री का भाषण देकर उन्होंने दिल्ली की पब्लिक को बेवकूफ बनाया है, और इतना बड़ा घोटाला करने के बाद भी वो मुझे, मेरे हिसाब से तो श्रेष्ठ मोदी जी हैं। हाँ जी, हाँ जी, मोदी जी की लहर, मोदी जी आएंगे, काम करने वाले और ईमानदार आदमी, सर्वश्रेष्ठ आदमी व्यक्ति कौन है? वो मोदी जी हैं। टक्कर में कोई नहीं है? टक्कर में कौन होगा उनके लिए? थोड़ा सा एक तीन के बराबर ये आए थे केजरीवाल जी, और राहुल जी का तो आप जानते ही हैं। राहुल गांधी तो है टक्कर में? क्या बात करते हो आप, पप्पू जी कहाँ से उनकी टक्कर के हो गए मैडम जी? उनके लिए उनकी टक्कर का कोई नहीं है, खुद ही अपने आप को टक्कर दे सकते हैं और वो खुद ही जीत सकते हैं, वो मोदी जी हैं। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी? ना ना, इनको वहीं रहने दो जहाँ तक ये सीमित है, बिहार और ये पश्चिम बंगाल की ममता जी ये अपने इलाकों तक ही सीमित है, ये पूरे जो देश को संभाल सकते हैं वो मोदी जी हैं। आपके पास 400 पार है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, जनता सपोर्ट कर रही है? हाँ बिल्कुल सपोर्ट में है, हम और हमारी फैमिली और हमारी मार्केट पूरी मोदी जी के साथ है। कहाँ के रहने वाले? बिहार के। बिहार में कहाँ से? दरभंगा जिला। दरभंगा जिला। नीतीश बाबू है बिहार तो? नीतीश बाबू है। कैसा काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल हैं, दिल्ली में ही रहते होंगे ना? केजरीवाल जी से हमसे मिली, वो बताएंगे, नहीं है वो बताएंगे केजरीवाल जी के सामने बारे में। आप किसको वोट डालेंगे? आपके पास इलेक्शन है, चुनाव है,
देखते हैं किसको डालते हैं, बताएंगे सर। मोदी जी कैसा काम करें? मोदी जी डलेंगे इस बार। मोदी जी आएंगे, कौन आएगा? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। राहुल गांधी? अब खत्म है कांग्रेस, कांग्रेस अभी तो आई नहीं कांग्रेस, अब तक नहीं है। देखो 24 के बाद, उसके 29 के बाद, 30 के बाद। क्या करते हैं आप? यहाँ पे काम करता हूँ। किस चीज़ का? कपड़े में। पीछे से कहाँ से है रहने वाले? पटना, बिहार। नीतीश बाबू कैसा काम करते हैं? एकदम साला घटिया है कि क्यों, क्या हो गया? साला जहाँ बिहार में कहीं दारू बंद था ना, रोजी ना रोजगार है, साला जिनको दारू बंद कर दिया है। दारू बंद कर दिया है, ये दिक्कत है मतलब? तो पहले रोजगार दो, उसके बाद दारू के बारे में सोचोगे? केजरीवाल ने यहाँ पे एक के बाद एक फ्री दी, उससे बड़ा नस खा रहा है साला केजरीवाल, एक के साथ एक पौवा पी रही सर। एक नौकरी के साथ दूसरा नौकरी फ्री देना चाहिए था, यही सलाह कर दिया, एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री। अब की बार मोदी जी 100% सवाल कंप्लीट नहीं करने देते, 100% आ रहे हैं, आ रहे हैं दिल्ली में। प्रधानमंत्री के पद पर अब की बार मोदी जी प्रधान प्रदेश है ना, प्रधानमंत्री बनेंगे, मुश्किल कुछ नहीं है, देख लेना। कोई नहीं है क्या मोदी जी के टक्कर? कोई नहीं, हाँ जी, यूपी में अकेले जी इनका कोई सीट नहीं आएगा, आएगा तो सही, और बिहार में लालू जी है, इन सबको तो आना चाहिए सीट है, ये क्या बात भाई, चारा घोटाला। जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेंगे लालू जी, बाय। क्या लग रहा है मोदी जी के अलावा और कौन है टक्कर में आपकी बार? मोदी जी के अलावा और कौन है टक्कर में? मोदी जी को कौन टक्कर देने वाला? कोई नहीं, कोई भी नहीं। क्या काम कर दिया ऐसा मोदी जी? मोदी जी ने जो काम किया है वो कोई कर नहीं सकता। मंदिर, मस्जिद के लिए भी जगह दिया, लेकिन इन लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि मस्जिद को बनवा दें। हम हिंदू लोग हैं, हमने मंदिर बनवाया, चंदा दे दे के बनवाया, गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगा, लेकिन खान साहब इनमें इनकी ताकत नहीं है, ये भी चंदा अपना इकट्ठा करें, मस्जिद को बनवाएं और पूजा करें, पाठ करें, अल्लाह करें, उबर करें, कोई दिक्कत नहीं, हम तो जय श्री राम बोलेंगे। क्या करते हैं? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC CSE। कहाँ पे रहते हैं यहाँ पे? कमला नगर। मैं तो यहीं करोल बाग में रहता हूँ, पर हूँ मैं जम्मू एंड कश्मीर से। अच्छा, इलेक्शंस के बारे में कुछ जानते हैं? या लोकसभा चुनाव है, किसको वोट डालेंगे? इंडिया अलायंस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कोई भी और, नॉट बीजेपी। नहीं, बीजेपी क्यों नहीं? क्योंकि वो अकाउंटेबल नहीं है, वो इंटरेस्ट लोगों के लिए, इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रही है गवर्नमेंट, तो दीज आर द रीजन, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग माय वोट टू द इंडिया अलायंस। या राहुल गांधी बन सकते हैं मतलब प्रधानमंत्री, या अखिलेश यादव, कोई और, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, आप किसको PM पद पर देखना चाहते हैं मोदी जी के? तो मैं क्या चाहता था, वो जो शशि थरूर है, जिसको मतलब शशि थरूर, हाँ शशि थरूर, मैं उसी को देखना चाहता था। हाँ, तो वो कांग्रेस जो है वो हेरिडिटी, वो भी अपना थोड़ा कर रहा है, तो हेरिडिटी ले रहे हैं, तो वो किसी और को चांस नहीं दे रहे हैं, तो अगर वो शशि थरूर बेटर था तो वो बेटर ऑप्शन था राहुल गांधी से। हाँ, राहुल गांधी क्यों नहीं इसके काफ़ी? राहुल गांधी ठीक है लीडर, पर वो जो इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो उसका जो वो होता है, जो कंट्री के खिलाफ वो थोड़ा ये रहते हैं, वो ये रहते हैं, नेक्सस रहते हैं, दैट्स व्हाई। आप कहाँ से आए हैं? मैं करोल बाग में रहता हूँ, मैं कश्मीर से हूँ, हाँ बारामूला से हूँ। अंकल जी अब यहीं रहते हैं? नहीं, नागपुर में रहता हूँ, महाराष्ट्र। यहाँ पे, अरे क्या बात है, यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करना है? यस, आ गए कुछ काम से आए थे, उसके वजह से साथ ही हैं। हाँ जी, रिश्तेदार के घर पर आए थे, हमारा आश्रम है बकरवाला में। अच्छा, तो वहाँ पे आए थे हम होली पूर्णिमा के लिए। तो मुझे ये बताइए, अब लोकसभा चुनाव है 24 में, क्या लग रहा है, हवा किसकी तरफ है? मोदी जी की तरफ ये हवा। अरे इनसे बढ़कर कोई इंसानी दिख ही नहीं रहा है इस दुनिया में, अभी तो फिलहाल तो दुनिया में ही नहीं दिख रहा आपको? अभी फिलहाल तो दिख ही नहीं रहा है, बात की बात देखेंगे, अभी तो 24 है, बिल्कुल आ जान दो 400 के पार, बाद में बात करेंगे। तो राहुल गांधी तो है ना? राहुल गांधी है, जिसको नॉलेज रहना चाहिए देश चलाने का, अरे उसको नॉलेज ही नहीं है कुछ भी कुछ। अरे भैया, इतना बड़ा लेवल आदमी किस तरीके से भाषण दिया जाता है उसको, ये नहीं मालूम
है ना। अरे किसी इंसान से अपन अगर बात किए तो किस तरीके से बात करना चाहिए ये भी तो आना चाहिए ना। अब देश चलाने की बात है, हम अपने घर को बराबर ढंग से चला नहीं पा रहे हैं, चार लोग इतने बड़े देश को चलाना मामूली बात नहीं है। मतलब टक्कर में कोई नहीं है? कोई नहीं है, कोई नहीं, फिलहाल में कोई टक्कर में नहीं है। सारे जन अपना पक्ष छोड़ के इधर ही आ रहे हैं, एक दिन ऐसा रहेगा सब एक ही पक्ष रहेगा, अपोजिशन रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। पहले उनमें तो डिसाइड हो जाए कि कौन बनने वाला है, उनको खुद ही नहीं मालूम है, सबके सब एक साथ हो गए हैं, उनको खुद नहीं मालूम कि कौन बैठने वाला है आपस में। तो ये सीट के चक्कर में कि कहां से कितना सीट बांट दिया जाए ये पता नहीं चल रहा है, इनको टू टू मुए में चल रहा है आपस में कि किसको सीट बांटा जाए किसको नहीं, कौन से जगह से कौन खड़ा हो, ये नहीं मालूम इन लोगों को, तो कहाँ से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। महाराष्ट्र में बहुत सी जगह सीटें डिक्लेयर नहीं हुई है, उन्हीं की खिंचातान चल रही है क्या कौन सी सीट पे कौन ये जाए करके, गिनी चुनी जो श्योर शॉट सीट है वो डिक्लेयर हो गई है, आफ्टर दैट उन्हीं में खिंचातान चल रही है हमारे यहाँ क्या फिलहाल तो। और अपने मन से ही सब जन डिक्लेयर करते जा रहे हैं सीट, और बाद में बोल रहे हैं कि एक सीट हम इनको देंगे दो सीट इनको देंगे, ये सब चल रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, देश ऐसे लोगों के पास देंगे या जिनका डिसिप्लिन है विकास करे, कोई भी पार्टी जो विकास करे उनके पास? क्या विकास कर रहा है मोदी जी ने, क्या नहीं किया है ये पूछो पहले बात तो बोलो ना आप, क्या नहीं किया, नहीं किया है क्या, क्या नहीं किया है? हमारे हिसाब से तो बहुत कुछ किया है उन्होंने, है ना। पाँच साल में कोई दो तीन काम बता दो। देखो पहले बात तो अभी कोरोना आया उस समय अभी तक के फ्री चावल दे ही रहा है, अभी तक के दे रहा है, बंद नहीं किया हुआ है, गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा है एक चीज। उसके बाद में 5 लाख रुपए इलाज करने के लिए दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है पहले बताओ, आपके हिसाब से दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सवाल कर रही नहीं लेकर, हमको तो मालूम है कि दे रहा है ना। इतने सारे एक से एक सड़क बन गए हैं उनके रहते हुए, राम मंदिर बन गया है उनके रहते हुए, नहीं बना है क्या? उसके बाद में अभी मथुरा का नंबर है क्या, 370 हट गया है, देवनामी सीए लागू हो गया है, अभी समझ लो इनसे अपना और कौन कौन से लॉज जो ये एनसीआर वगैरह ये सीए लागू हो गए ना, एनसीआर वगैरह अभी बकेट में है। देश को सुरक्षा दे सके वो हमारे लिए बहुत अच्छा इंसान, उसके रहते हुए हम सेफ्ट है अभी, यानी किसी प्रकार का दहशत नहीं है हमारे शरीर में कि कब बम ब्लास्ट हो जाए, पहले तो ये था कब बम ब्लास्ट हो जाए कहाँ पे हो जाए ये था, अभी तो इस तरीके से आजादी से घूम सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। देखिए लोकसभा चुनाव की हुंकार, दिल्ली की आम जनता जो है वो भड़ती हुई नजर आ रही है लगातार। हम लोग दिल्ली की करोल बाग मार्केट में मौजूद थे, जहां पर हमने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की, यहां की आम जनता से बातचीत करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश करी कि अब की बार क्या क्या मुद्दे हैं जिनसे वो परेशान है, साथ ही में अब किसकी सरकार वो चाहती है ये भी उन्होंने बताया। कुछ लोगों का कहना है कि हम तो कट्टर कांग्रेसी हैं, राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है, कांग्रेस की सरकार आती है तो हमें तो बड़ी खुशी होगी, बाकी मोदी जी जो हैं वो गरीबों पर ध्यान दें और जो पटरी वाले हैं यहाँ पे जो पटरी पे दुकान वगैरह लगा रहे हैं उन पर भी ध्यान दें। आम जनता का रुझान वैसे बीजेपी की तरफ ज़्यादा है। खैर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।